हाय एवरीवन, वेलकम स्टडी एसमन। अभी हम डिस्कशन करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में नेशनल टेक्निक जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है क्या, सो अभी न्यूज में इसलिए है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने अप्रूव किया है जो कि सेटिंग अप करने के लिए ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को, जिसका कैपिटल इसने अप्रूव किया है जो कॉस्ट है 1480 करोड़ से। सो की फैक्ट्स हम देखेंगे। मेन जो एम क्या है इसको सेटिंग अप करने का, एक तो हो गया ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, एंड दूसरा है इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल जो है टेक्सटाइल इन द डोमेस्टिक मार्केट में। इस मिशन का मेन एम जो है डोमेस्टिक मार्केट में जो है 40 बिलियन से, अभी उसको क्या है ना 50 बिलियन करना है बाय द 2024 तक। इस मिशन का डायरेक्टर कौन है ना, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। ये मिशन जो है ये 4 इयर्स में जो कि स्टार्टिंग होगा फ्रॉम द 2021 से स्टार्ट होके 2024 तक ये चलेगा। सो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, उसका जो मेन फोकस क्या है ना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। रिसर्च क्या है ना, रिसर्च करेगा इसमें बोथ फाइबर लेवल एंड एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि क्या है ना जियो, एग्रो, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल टेक्सटाइल एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल। एंड रिसर्च एक्टिविटी जो होगा, जो मेन फोकस होगा डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मशीनरी एंड प्रोसेस इक्विपमेंट। सेकेंड जो है कंपोनेंट है, एक तो हो गया उसका सेकेंड कंपोनेंट का प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। थर्ड कंपोनेंट ये है कि इसका जो मेन फोकस होगा ये क्या है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा फ्रॉम द कंट्री टू 14,000 करोड़ टू द 20,000 करोड़। एक्सपर्ट जो है प्रमोशन है, काउंसिल जो है फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल विल सेटअप होगा। एक फोर्थ कंपोनेंट जो है मेन फोकस है उसका एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इस मिशन का ये मिशन क्या करेगा ना, प्रमोट करेगा टेक्निकल एजुकेशन को एट द हायर इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी लेवल में। सो टेक्निकली टेक्सटाइल के बारे में हम देखेंगे, जो टेक्निकल टेक्सटाइल ये फंक्शनल है फैब्रिक। इसमें क्या होता है ना, एप्लीकेशन अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग जैसे क्या है ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन। सो इसको हम देखेंगे सीधा, जो सिंपल वर्ड में समझेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या। टेक्सटाइल तो जो अब सबको मालूम होगा जैसे कपड़ा है, सो कपड़ा है, कपड़ा जो बनता है बहुत सारा मटेरियल्स आता है, रॉ मटेरियल्स आता है, उसको प्रोसेसिंग करके फिर टेक्सटाइल बनाते हैं। बट टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल ये है आजकल जो हम क्या है, कोई भी जैसे क्या है कुछ खरीदते हैं, मीन्स टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें क्या है तो ये टेक्सटाइल का यूज होगा, ये है टेक्निकल जो है टेक्सटाइल है। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे एग्रीकल्चर में टेक्निकल टेक्सटाइल यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में टेक्निकल टेक्सटाइल यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में टेक्निकल टेक्सटाइल यूज हो रहा है। सो बेस्ड ऑन यूजेस में देखेंगे 12 टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है, जो कि एग्रोटेक है, मेडिटेक है, ब्यूलटेक है, मोबिलटेक है, क्लोथटेक है, ओइकोटेक है, जियोटेक है, पैकेटेक है, होमटेक है, प्रोटेक है, इंडोटेक एंड द स्पॉट टेक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है ना, मोबाइल जो मोबाइल टेक है इसमें क्या है ना, प्रोडक्ट्स जो है जैसे क्या है व्हीकल्स का प्रोडक्ट्स जैसे क्या है बनता है टेक्सटाइल से बनता है। जैसे क्या है एग्जाम्पल सीट बेल्ट हो गया, वो किसमें बनता है, टेक्सटाइल में बनता है। एयर बैग्स हो गया, एयरप्लेन सीट्स हो गया, जियोटेक हो गया, ये सब क्या होता है ना टेक्निकल टेक्सटाइल इसको बोलते हैं। So that's all. Thank you.